सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेकिंग की नीड क्या होती है क्यों जरूरत पड़ती है आपको डीसी मोटर्स में ब्रेकिंग प्रोवाइड करने की दूसरा जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा इसी वीडियो के अंदर दैट विल बी द टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग अवेलेबल जिस जो मेजर टाइप की ब्रेकिंग हम अप्लाई करते हैं सिस्टम के अंदर वो इसके बाद फिर जो थर्ड टॉपिक हम लोग देखेंगे पर्टिकुलरली थर्ड पोर्शन जो हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर दैट विल बी एप्लीकेशन ऑफ दो ब्रेकिंग्स जो जो वराइटीज जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे ब्रेकिंग के बारे में उनके एप्लीकेशन कहां, कहां पे होते हैं उनको कहां, -कहां पर हम लोग अप्लाई करते हैं वो सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर तो ये मेजरली इतना पोर्शन आपको मिलने वाला है इस वीडियो से अगर आप इसी टॉपिक्स के सर्च में थे तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को और शुरू करते हैं ब्रेकिंग इन डी सी मोटर तो देखते हैं सबसे फर्स्ट थिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और यह क्वेश्चन जो आपके माइंड में भी आएगा नीड ऑफ ब्रेकिंग वट इज द नीड ऑफ ब्रेकिंग आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर एक डीसी मोटर है और मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है ब्रेकिंग उस उसपे कैसे ब्रेक लगाना है फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक बाइक चला रहे हो बाइक चला रहे हो कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ती होगी बाइक में ब्रेक लगाने की क्योंकि बिना ब्रेक की बाइक तो फिर होती ही नहीं है ना मतलब नॉर्मली आप नहीं चलाते हो नहीं चला सकते हो क्यों क्योंकि कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती होगी आपको बार बार ब्रेक लगाने की आपकी कोई सामने आ गया आपका रोड खराब हो गया टर्निंग है बहुत सारी चीजों में आपको स्पीड सडनली रिड्यूस करनी है तो इन सब चीज के लिए आप ब्रेक लगाते हो ठीक है वैसे ही जब कोई डीसी मोटर ऑपरेट कर रहा है ऑब्वियस थिंग है कि ये भी कोई रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है जो हमको Uh, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी जो हमको इसके, इससे आउटपुट के फॉर्म में मिल रही है, तो जरूरत तो, तो पड़ेगी ना उसको कभी ना कभी रोकने की ठीक है आप टिल इंफिनिटी तो ड्राइव नहीं कर सकते उस चीज को कभी ना कभी आपको जरूरत पड़ेगी उसको स्टॉप करे रोके अब वो चाहे आप किसी रोलर बेल्ट के ऊपर यूज कर रहे हो या आप किसी सिस्टम पे लिफ्ट को ड्राइव कर रहे हो या किसी भी पॉइंट पे अगर एक लिफ्ट को आप ड्राइव कर रहे हो और आप आपने उसमें ब्रेकिंग नहीं प्रोवाइड किया तो वो रुकेगा कैसे उस पर्टिकुलर फ्लोर पे जिस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करके रखा हुआ एक क्रेन अगर किसी चीज को उठा रहा है या नीचे ड्रॉप कर रहा है तो वो रुकेगा कब अगर वो नहीं रुकेगा तो वो चीज तो जमीन से टकरा जाएगी तो बहुत सारी चीजें होती है बहुत सारा ऐसा जगह होता है जहां पे आपको कि मशीन में ब्रेकिंग प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है खासतौर पे डीसी मोटर्स के केस में ठीक है तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था अबाउट द स्पीड कंट्रोल कि मशीन की स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाए ध्यान रखना स्पीड कंट्रोल और ब्रेकिंग आपको एक जैसा साउंड कर सकता है एक जैसा लग सकता है लेकिन है दोनों बिल्कुल अलग अलग टॉपिक स्पीड कंट्रोल में मशीन को आप फुल्ली स्टॉप नहीं करते हो पूरी तरह से उसकी इनर्शिया को जीरो नहीं कर देते हो ठीक है हो सकता है उसकी स्पीड को आप कम ज्यादा लोड के अकॉर्डिंग धीरे धीरे वेरी कर सकते हो लेकिन वहां पे हम इस बारे में नहीं बात करते हैं कि उसकी स्पीड को जीरो करके खत्म कर दिया जाए ठीक लेकिन ब्रेकिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां पे हमको यह भी जरूरत पड़ सकती है कि एक मोटर की स्पीड को फुल्ली जीरो कर दें हम लोग एक मोटर की इनर्शिया को पूरी तरह से खत्म कैसे किया जा सकता है इन सेफ पैरामीटर सेफली कैसे उसको उसकी इनर्शिया को हम जीरो कर सकते हैं ये भी देखेंगे इसके अंदर ठीक है तो इसी इस लिहाज से इस हिसाब से ये जो ब्रेकिंग होता है दिस इज अ दिस इज स्लाइटली डिफरेंट देन स्पीड कंट्रोल एकदम एक जैसा स्पीड कंट्रोल का ही है तो वीडियो में आप आपको और ब्रेकिंग समझने से पहले टाइप ऑफ डीसी मोटर पता होना चाहिए आपको तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं वट इज द नीड ऑफ ब्रेकिंग तो पहला नीड जो है नोट्स के फॉर्म में चलो मैंने रखा हुआ है तो ये आपके सामने लेके आता हूं रीड कर लेते हैं आपके लिए और अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो वो कर सकते हो लेकिन एक सेकंड रुक जाओ ये सारे पॉइंट आ जाने दो ठीक है दोनों पॉइंट आ गया, स्क्रीन शॉट चाहो तो ले सकते हो मैं हट जाता हूं यहां से तो वॉट इज द नीड ऑफ ब्रेकिंग रीड करते हैं रनिंग मोटर में बी ब्रॉड टू रेस्ट क्विकली बाई इधर मैकेनिकल ब्रेकिंग और इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग पॉइंट क्लियर है बिल्कुल कोई मोटर अगर रन कर रहा है कोई डिवाइस कोई ड्राइव अगर आपकी रन कर रही है तो उसको आप दो तरीके से रोक सकते हो ठीक है या तो मैकेनिकली उस पर ब्रेक अप्लाई करो जिसपे खूब सारा फ्रिक्शन भी होगा ये आपको भी पता है ठीक और या तो फिर आप उस पर इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग अप्लाई करो अगर वो मशीन एक मोटर के हेल्प से रन कर रही है तो डीसी मोटर के हेल्प से या एसी मोटर जो भी हो फिलहाल हम लोग अभी डीसी मशीन के बारे में बात करें तो मैं स्पेसिफिकली सिर्फ डीसी मोटर ही बोलूंगा यहाँ पे ठीक है तो कोई भी मोटर उसको आप क्विकली रेस्ट के स्टेट पे ला सकते हो दो तरीके से कौन कौन से दो तरीके हैं एक है फर्स्ट वन इज योर मैकेनिकल ब्रेकिंग मेथड पहला जो है आपका मैकेनिकल ब्रेकिंग है और दूसरा तरीका जो है दिस इज योर इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग ठीक अब मैकेनिकल ब्रेकिंग जो होता है ये कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग तो मैकेनिकल ब्रेकिंग जो अप्लाई करते हैं दैट इज विद द हेल्प ऑफ ब्रेक शूज अब क्या लिखा हुआ है हेंस द स्मूथनेस ऑफ मैकेनिकल ब्रेकिंग डिपेंडेंट ऑन द सर्फेस एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द ब्रेक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान से समझना एग्जाम्पल लेके समझाता हूं बिल्कुल प्रैक्टिकल वाला तो आपको कनेक्ट हो जाओगे। जितने लड़के बाइक चलाते होंगे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स बॉय गर्ल्स जो भी है अपना टू व्हीलर अगर आप लोग ड्राइव करते हो ठीक है और जो डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी चलाते हैं खासतौर तो पर उनको तुरंत समझ में आ जाएगा अगर सपोज मैकेनिकल ब्रेकिंग की मैं बात कर रहा हूं अगर डिस्क ब्रेक मुझे लगाना है ठीक है और मेरी डिस्क का जो प्लेट है मेरी जो डिस्क ब्रेक सिस्टम का जो प्लेट है जो हमारे व्हील में लगा रहता है गोल सा स्टील का जो दिखाई देता रहता है जिस भी मेटल का वो प्लेट जरा सी बेंड हो जाए ठीक है वो प्लेट जरा सी बेंड हो जाए किसी एक जगह से अब आप ब्रेक लगाओगे क्या चीज होगा सोच के आंसर आंसर करो अपने माइंड में आपके आ गया होगा ठीक बहुत कम लोगों के साथ ये सिचुएशन हुआ होगा बट अगर ऐसा हुआ है होगा किसी के साथ तो वो तो तुरंत समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं अगर आपकी ब्रेक का सरफेस जो आपकी ब्रेक सिस्टम है ब्रेक पैड हो चाहे या वो ब्रेक की प्लेट हो उन दोनों में से किसी का भी अगर सरफेस यानी जिन दो बॉडीज के बीच में मैकेनिकल फ्रिक्शन होने वाला है उनमें से किसी भी एक का सरफेस अगर अनइवन हो जाता है तो आपकी ब्रेकिंग जो है ब्रेकिंग परफॉर्मेंस जो है वो भी डिटेरियोरेट हो जाएगी वो भी कम हो जाएगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी ब्रेकिंग ठीक है आपको हो सकता है बहुत सारा वाइब्रेशन देखने को मिले आपकी मशीन अनस्टेबल हो जाएगी आपका आपकी जो व्हीकल चल रही है वो अनस्टेबल हो सकती है बिल्कुल पॉसिबल है तो मैकेनिकल में हमको ध्यान किस पे देना होता है हमको ध्यान देना पड़ता है अबाउट द फिजिकल कंडीशंस फिजिकल कंडीशन किस टाइप की है अगर आपकी ब्रेक में ऑयल डाल दिया मैंने नहीं लगेगा आपका ब्रेक ठीक बहुत सारी दिक्कतें होती है आपका ब्रेक शू अगर वियर आउट हो चुका है तो भी ब्रेक नहीं लगेगा फ्रिक्शन नहीं क्रिएट हो सकेगा उस सिस्टम के अंदर तो किस पर डिपेंड करता है मैकेनिकल ब्रेकिंग अबाउट द फिजिकल कंडीशन ऑफ ब्रेक लेकिन अगर आपको स्मूथ ब्रेकिंग चाहिए बिल्कुल एकदम क्लियर स्मूथ ब्रेकिंग चाहिए बिना इन सब दिक्कतों के तो ये प्रोवाइड किसमें होता है ओनली इन इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग अगर हाँ ये भी मैं बता दूं आप इसको व्हीकल और आईसी इंजन वाली गाड़ियों से मत कंपेयर करना मैं उन मशीनों की बात कर रहा हूं जो कि मोटर से वर्क कर रही है जिनको ड्राइव कर रहा है जिनको एनर्जी इलेक्ट्रिक मोटर से मिल रही है उन्हीं मशीनों के बारे में यहाँ पे या आने वाले जितने भी पार्ट होंगे जितने भी स्लाइड्स मैं लेके आऊंगा बोर्ड पर उन सभी पे डीसी मोटर के बारे में स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं तो इससे क्या समझ में आया ब्रेकिंग दो तरीकों से हो सकता है या तो मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में बहुत सारी कंडीशन डिपेंड करती है बहुत सारा फिजिकल कंडीशन देखना पड़ता है और जो सर्फेस जैसा बिहेव करेगा उस अकॉर्डिंग वैसी लेवल की ब्रेकिंग आपको मिलेगी लेकिन स्मूथ ब्रेकिंग अगर आपको चाहिए तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का ऑप्शन जो है वो कंसिडर करते हैं ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है स्मूथ ब्रेकिंग नेक्स्ट इज सेकेंड रीड करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग इज यूज इंप्लाइड इन द एप्लीकेशन टू स्टॉप अ यूनिट ड्रिवन बाई मोटर्स इन एन एग्जैक्ट पोजिशन और हैव The speed of the driven unit suitably controlled during its deceleration. Electrical braking is used in the application where frequent, quick, accurate, or emergency stops are required. इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग कहां कहां पे यूज होता है इन सब जगहों पे जहां पे आपको बिल्कुल फ्रीक्वेंट बार बार जल्दी जल्दी आपको करनी है, करनी है। और एकदम एक्यूरेट ब्रेकिंग चाहिए आपको चाहिए कि इस पे आपका एकदम जीरो तो तो किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग जो होती है वो सबसे स्मूथ ब्रेकिंग मानी जाती है इसका तरीका सबसे ज्यादा स्मूथ माना जाता है और इसको क्यों यूज करते हैं तो इट इज यूजुअली इम्प्लॉयड इन एप्लीकेशन टू स्टॉप बाय मोटर्स इन एन एग्जैक्ट पोजीशन आप कैलिब्रेट कर सकते हो आपकी मशीन को आप कैलकुलेट कर सकते हो और प्री डिफाइंड रख सकते हो कि आपकी मशीन इस पॉइंट पर रुकी जानी चाहिए और उसको एक मतलब आप सेंटीमीटर मिलीमीटर के फॉर्म तक भी कैलिब्रेट कर सकते हो इतना ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है ठीक है हैव द स्पीड ऑफ द यूनिट सूटेबली कंट्रोल्ड ड्यूरिंग इट्स डिसल स्पीड जो है उसका सूटेबली कंट्रोल भी किया जा सकता है जब किस ड्यूरेशन में जब वो अपनी uh, जो भी जिस भी स्पीड पर वो चल रहा है से लेके जब वो उसकी स्पीड रिड्यूस हो रही हो तो मतलब सिस्टम के अंदर कोई अनबैलेंस का स्टेट या अनस्टेबिलिटी का स्टेट जो है वो नॉर्मली नहीं क्रिएट होता अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का यूज कर रहे हो तो ठीक है तो चलिए जानते हैं हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की खासियत क्या होती है क्या क्या इसके अंदर टाइप्स हो सकते हैं ये तो था नीड कि रिक्वायरमेंट क्या होती है क्यों जरूरत पड़ती है हमको इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की क्यों जरूरत पड़ती है ब्रेकिंग के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं मैकेनिकली भी आप ब्रेक कर सकते हो सिस्टम को तो इलेक्ट्रिकली क्यों ब्रेक करना तो ये ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये आपको यही समझाने के लिए लिखे हुए थे ठीक है इनको हटाता हूं नेक्स्ट पॉइंट लेके आता हूं मैं यहां पे तो नेक्स्ट पॉइंट को जरा लाते हैं और देखते हैं कि कितने टाइप की ब्रेकिंग जो है एक डीसी मोटर के अंदर आपके लिए अवेलेबल होती है तो देखो ब्रेकिंग हमारे पास बेसिकली तीन तरीके से की जा सकती है इलेक्ट्रिक सिस्टम्स के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर ठीक है फर्स्ट वन इज रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या लिखा हुआ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग डन इन द डीसी मोटर फर्स्ट वन इज द रीजनरेटिव ब्रेकिंग सेकेंड इज द डायनामिक ब्रेकिंग एंड थर्ड इज प्लगिंग रीजेनरेटिव डायनामिक प्लगिंग अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख लो फोटो खींच रहे हो तो फोटो खींच लो लेकिन ये आपके पास होना चाहिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे चल के जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम में किस साल में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आए हुए हैं ठीक है अभी फिलहाल ये सेशन में हमको सिर्फ और सिर्फ इसकी थियोरिटिकल नॉलेज प्रैक्टिकल से रिलेटेड uh, जो नॉलेज है बस वो सब समझनी है हमको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं आपको लेके जाऊंगा तो ये सारी चीजें आपकी अगर माइंड में है तो मेरे क्वेश्चन का आप तुरंत तुरंत आंसर कर पाओगे तो आगे चल के जब हम लाइव सेशन रखेंगे फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे जो रहेगा लाइव हमारा सेशन उसमें मजा आने वाला है ये सारा कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है सीखा हुआ है तो ये वहां पे आपके काम आएगा ठीक तो चलिए अब एक काम करते हैं कि इन सभी ब्रेकिंग के बारे में सभी जो जो तीनों के तीनों प्रोमिनेंट ब्रेकिंग मेथड है इनके बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं डिटेल में स्टडी करते हैं और एक एक के बारे में समझते हैं स्टार्ट करते हैं उस स्लाइड को लेके आता हूं मैं बोर्ड पे आपके सामने सबसे फर्स्ट टाइप का जो ब्रेकिंग है जिसका नाम है री ब्रेकिंग क्या नाम है इसका ब्रेकिंग रीजनरेट कर रहा है किसी चीज को ऐसा समझ में आ रहा है नाम से बाकी ये सब अभी हमको नहीं पता इसको जब देखेंगे तो समझेंगे ठीक है अभी नाम सुनते साथ आपके माइंड में क्या चीज आना चाहिए आप इसको थोड़ा सा फिगर आउट कर लो कि री जनरेटिव ब्रेकिंग मतलब इस ब्रेकिंग में हम लोग किसी चीज को रीजनरेट कर रहे होंगे क्या जनरेट कर रहे हैं है तो ये मोटर ये मोटर क्या जनरेट करके आपको देगा आउटपुट में वही समझते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है देखो दिस टाइप ऑफ ब्रेकिंग इज पॉसिबल वेन द ड्रिवेन लोड फोर्सेज द मोटर टू रन एट अ स्पीड हायर देन इट्स नो लोड स्पीड विथ अ कॉन्स्टेंट एक्साइटेशन बहुत ज्यादा हैवी टेक्निकल लैंग्वेज हो गया क्या तो इसको रिड्यूस कर लेते हैं आम भाषा में समझते हैं बिल्कुल तो आसान वाले लैंग्वेज में ठीक है चलो एक काम करते हैं यहां एक डीसी मोटर पहले ड्रॉ कर लेते हैं तब शायद कुछ समझ में आएगा कि ये क्या बात कर रहे हैं पे तो हम लोग क्या करते हैं कौन सी करें, किसी को भी कर सकते हैं। motor, मैं डीसी मोटर ड्रॉ कर रहा हूं अगर मैं यहाँ पे डीसी शंट मोटर का डायग्राम जो है उसको बनाता हूं और यहां पे इसकी फील्ड वाइंडिंग जो है ये ऐसी कनेक्टेड है तो इन दिस केस पहले एक काम करते हैं कि इसके सभी नोटेशंस को इसकी जगह पे प्लेस कर लेते हैं ठीक है तो जैसे कि नोटेशन यानी जैसे यहाँ बैक ई एम एफ है ई बी यहाँ पे शंट का रेजिस्टेंस है आर एस एच हां यहाँ पे आर का भी रेजिस्टेंस है आर ए करेंट्स की मैं अगर बात करूं तो जब इस पे आप सप्लाई देते हो यहाँ पे है लोड वोल्टेज या टोटल वोल्टेज वी एल यहां से जो करंट आई दिस इज आई एल लोड करंट या आई टी चलो इसको आई टी ही लिख देता हूं मुझे मोटर के केस में इसको लोड लिखना अच्छा नहीं लगता है ये टोटल करंट ही ठीक है और इसको मैं टोटल वोल्टेज लिख लेता हूं जनरेटर के केस में इसको मैं लोड करंट बोलता हूं क्योंकि वहां पे हम लोड कनेक्ट करते हैं ठीक है मोटर के केस में तो दिस इज द टोटल सप्लाई यहां शंट के अंदर से जाने वाली करंट जो है दिस इज एज आई टर्म आर्मेचर के अंदर जो करंट जा रही है दिस इज टर्म एज आई ए और सारी चीजें यहाँ पे ट्रेस हो चुकी है तो ठीक इसका अगर मैं मैं या मुझे वोल्टेज का इक्वेशन ट्रेस करने में बोलूं आपको सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि दिस इज अ शंट डीसी शंट वाउंड मोटर ठीक है शंट वाउंड डीसी मोटर है ये शंट फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है यानी जो वाइंडिंग है आर्मीचर के साथ पैरल में जुड़ी हुई है इसकी ये एक्साइट हो रही है इसके फील्ड के इफेक्ट के साथ फिर आपका मशीन जो है रोटेशनल आउटपुट प्रोवाइड करेगा आपको इसका अगर मैं वोल्टेज के फॉर्म में इक्वेशन ट्रेस करूं तो ये इक्वेशन मेरा होना चाहिए टी इज इक्वल टू बैक यूएमएफ ई बी प्लस आई ए आर ए यही क्वेश्चन होगा ना वी टी इज इक्वस टू वी टी इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए आर्मेचर करेंट

ठीक है फिर से एक बार समझते हैं हो सकता है इतना कुछ बनाने के बाद शायद कुछ दिखे तो चलो समझते हैं दिस टाइप ऑफ ब्रेकिंग इज पॉसिबल वेन द ड्रीवन लोड जिस लोड को आपका मोटर ड्राइव कर रहा है द ड्रीवन लोड फोर्सेज द मोटर टू रन एट अ स्पीड हायर देन इट्स नो लोड स्पीड जो लोड जिसको ये मशीन ड्राइव कर रही है वो लोड इस मशीन को फोर्स कर रहा है क्या करने के लिए फोर्स कर रहा है बहुत ज्यादा स्पीड पे रन करने के लिए फोर्स कर रहा है कितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा कि जितनी इसकी नो लोड कंडीशन में भी उतनी स्पीड पे ये मशीन नहीं पहुंचता है उसकी नो लोड की जो स्पीड होती है उससे भी हायर अमाउंट की स्पीड पे पहुंचा दे रहा है कौन जो लोड इस ये मशीन ड्राइव कर रही है वो लोड ठीक है विथ अ कॉन्स्टेंट एक्साइटेशन भाई हमारा एक्साइटेशन जो है ये तो है ये ये तो तो फिक्स है यानी मैं एक्साइटेशन में कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं अगर मैं एक्साइटेशन की पोटेंशियल बढ़ा रहा होता करंट बढ़ा रहा होता और फिर मेरी मशीन की स्पीड बढ़ रही होती तो मैं समझता कि चलो ठीक है लेकिन अगर एक्साइटेशन में मैं कुछ चेंज ही नहीं कर रहा हूं अगर मेरी फील्ड की एक्साइटेशन में जो करंट जा रही है दैट इज ऑल सेम मतलब यहां जो फील्ड बन रहा है दैट इज ऑफ अ अस्टेंट एक्साइटेशन उसमें चेंज नहीं हो रहा है मैं इनपुट सप्लाई दे रहा हूं उसमें चेंज नहीं हो रहा है और मशीन सडनली बहुत हाई स्पीड गेन कर लेती है ये बोल रहा है पहले वाले पॉइंट में ठीक और ये क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि ये मशीन जिस लोड को घुमा रही है उस लोड के इफेक्ट के कारण यह मशीन हाई स्पीड पे रोटेट करने लग जाती है के क्यों ऐसा होता है कैसे ऐसा हो सकता है सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो कि यह मशीन बहुत हाई स्पीड में एक बहुत हैवी से सिस्टम uh, को फैन के ब्लेड्स को सपोज कर लो रोटेट कर रही है ब्लेड्स के एज पे एंड एंड पे क्या रखा हुआ है एक हैवी सब पीस हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है जैसे इनिशियली तो इसको मोमेंटम पकड़ने में थोड़ा दिक्कत जाएगा लेकिन ग्रेजुअली जैसे, जैसे जैसे ये मशीन मोमेंटम पकड़ती जाएगी वो जो लोड्स लगे हुए हैं उसके फैन के ब्लेड्स पे वो लोड जब अपनी मोमेंटम पकड़ लेंगे तो वो इतनी स्पीड से घूमने लगेंगे इतनी ज्यादा स्पीड से कि ये पॉसिबल है कि ये इस मशीन की शाफ्ट जो मैकेनिकल पावर डिलीवर कर रही है उससे ज्यादा पावर इनकी इनर्शिया के कारण वहां मिलने लग जाएगा यानी जो उसकी नो लोड स्पीड है नो लोड स्पीड बोलने का मतलब है कि अगर इसको बिना किसी लोड के मैं फ्रीली रन करा हूं, तब ये जो हाईएस्ट स्पीड पे पहुंचेगा तो ये उस स्पीड पे ही अभी पहुंच चुका है या उससे आगे निकल चुका है अब इसकी स्पीड तो क्या नुकसान होगा तो क्या नुकसान होगा उसको समझते हैं तो पहला पॉइंट क्लियर है पहला पॉइंट आई होप कि आपको समझ में आ गया है सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं कि अब इससे क्या इफेक्ट हो रहा है ये पता चलेगा आपको दूसरे पॉइंट पे तो क्या लिखा हुआ है दिस कॉज द बैक ई एम एफ टू बिकम मोर देन सप्लाई पोटेंशियल इस इफेक्ट के कारण कि जब इसकी स्पीड इतनी हाई हो गई कि अपने लो नो लोड स्पीड से भी आगे निकल गया तो उसके केस में क्या होगा बैक ईएमएफ की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगी और आपका बैक ईएमएफ जो है इट विल बिकम ग्रेटर देन ये तो बहुत उल्टी बात हो गई अजीबी बात हो गई ऐसा कैसे हो सकता है देखो चलो इसका कंसेप्ट एक बार जल्दी से समझ लो तो शायद आपको याद आ जाए और फिर ये चीज माइंड में चली जाएगी तुरंत बैक ई जो होता है ना ये डिपेंड करता है किसके ऊपर स्पीड के ऊपर मशीन जितनी ज्यादा स्पीड से घूमेगी उतना ज्यादा बैक ई बनेगा क्लियर है कि नहीं बोलो ठीक है बैक ई एम एफ डिपेंड कर रहा है स्पीड के ऊपर तो नॉर्मली ये मशीन की स्पीड कौन डिसाइड कर रहा है मशीन की स्पीड कहां से आ रही है इसके कारण 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 आ आ रही रही है 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 इस VT के और इससे जो IA बन रहा है, उसके आ रही है मशीन की स्पीड तो तो ये तो हमको एकदम कंफर्म पता है एक और चीज आपको कंफर्म पता है आपको ये भी पता है कि बैक ई एम एफ जो है इट इज एक्टिंग अपोजिट टू द सप्लाई लेंस लॉ के कारण बैक ई एम एफ आपका अपोज कर रहा है सप्लाई को मतलब इस सप्लाई को इसको रन करने के लिए एक्साइट करने के लिए इस बैक ई से लड़ना पड़ेगा और उसको ओवरकम करते हुए तब जाके ये मशीन में एक्साइटेशन प्रोवाइड कर सकती है ये क्लियर है हम लोगों ने पहले इस बारे में बात करके रखा हुआ है तो इस पे दोबारा हम लोग डाउट नहीं रखेंगे इसको एकदम क्लियर समझेंगे ठीक है दो कंडीशन आपको पता है पहला चीज बैक ईएमएफ जो होता है इट इज एक्टिंग अपोजिट टू वीटी फर्स्ट थिंग दूसरा चीज बैक ईएमएफ डिपेंड कर रहा है स्पीड के ऊपर और स्पीड डिपेंड कर रही है इस आईए और एक्साइटेशन के ऊपर तो अगर मैं इन दोनों को कांस्टेंट करके रखा हूं अगर मैं इसको भी नहीं चेंज कर रहा हूं और इसको भी नहीं चेंज कर रहा हूं तो स्पीड को नहीं बदलना चाहिए लेकिन कोई तीसरा फैक्टर आ गया अब लाइन में जो स्पीड को चेंज कर रहा है क्लियर अभी तक हमको ये पता था कि ये दो ही तरीका होता है जिससे हम लोग स्पीड को बदल सकते हैं लेकिन अब मार्केट में एक तीसरा फैक्टर आ गया जो बोल रहा है कि नहीं अब मैं भी स्पीड को चेंज करूंगा ये तीसरा फैक्टर क्या है This is load. अब एक लोड आ गया। उस लोड को ड्राइव कर रही थी मशीन और वो लोड जो था अपनी ग्रेविटेशनल पुल के कारण या जिस भी कारण से वो लोड अपनी रेटेड स्पीड से भी बहुत हाई स्पीड पे पहुंचा दिया इस मोटर को ठीक है अब लोड के कारण क्या हुआ स्पीड बढ़ने लग गई तो भाई स्पीड अगर बढ़ेगी तो बैक एम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ऑब्वियस थिंग है, मशीन उस फील्ड के अंदर जितनी स्पीड से रोटेट करेगी उतना फ्लक्स कट करेगी उतना ज्यादा ई बनेगा और वो ई क्या उल्टा एक्ट कर रहा था तो अब ये ईबी की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी यहां से EB की वैल्यू बढ़ते 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 बढ़ते, बढ़ते की वैल्यू तक पहुंच जाएगी जब वो नो लोड स्पीड के बराबर तक पहुंचेगा तो हो सकता है उसके बराबर पहुंच जाए और जब ये इससे भी आगे निकल जाएगा जैसा कि पहली पॉइंट में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है टू रन एट अ स्पीड हायर देन इट्स नो लोड स्पीड तो जब ये केस आएगा कि अपनी नो लोड स्पीड से भी ये आगे जैसे निकल जाएगा तो मतलब उसके इसमें क्या होगा उस केस में आपका बैक ई जो होगा वो टोटल सप्लाई वोल्टेज से भी आगे निकल जाएगा चूंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक्ट कर रहे हैं अगर ये सप्लाई वोल्टेज पोटेंशियल बड़ी है तो ये करंट सप्लाई भेजेगी लेकिन अगर बैक ई बड़ा हो गया तो क्या होगा ये डायरेक्शन चेंज होकर अब ऐसा दिखेगा आपको ये मिलेगा अब केस में IA. ये आर्मेचर करंट अब यहां से आएगा जिसमें से कुछ शंट में जाएगा और कुछ आउटपुट में मिलने लग जाएगा आपको यहां पे अब मेरे को बताओ कि ये वाला डायग्राम आपने कहां पे देखा हुआ है जिसमें ऐसी करंट की डायरेक्शन है आर्मेचर से बाहर निकलती हुई करंट अगर है तो आप उस मशीन को क्या बोलोगे मोटर बोलोगे जनरेटर बोलोगे जनरेटर बोलोगे ना दिस मशीन इज नाउ एक्टिंग एज अ जनरेटर अब ये मशीन जनरेटर की तरह बिहेव कर रही है क्यों क्योंकि इसकी बैक एम अब इसकी टोटल सप्लाई वोल्टेज से भी आगे निकल चुकी है इसकी पोटेंशियल जो है यहां से जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है दिस हैज बिकम ग्रेटर देन पुराना वाला पोटेंशियल तो अब इससे क्या हो रहा है अब इससे करंट उल्टे डायरेक्शन में जा रही है अभी तक जो करंट ले रहा था ये बाहर से सिस्टम से अब ये सिस्टम को करंट देने के, के कंडीशन में पहुंच चुका है डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है अब सप्लाई की नाउ दिस मोटर विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ जनरेटर क्लियर हो गया ये बात यहां सेकेंड पॉइंट तक हम लोग इतना कहानी समझ चुके हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं ड्यू टू दिस द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट रिवर्स समझ चुके हैं हम लोग इस पॉइंट को हटा दो फिर क्या लिखा हुआ है भाई देखो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गया है तो हमारा चौथा पॉइंट जो है वो ये बोल रहा है कि दिस कॉजेस द टॉर्क टू बी रिवर्स टॉर्क की बात क्यों आई भाई हमारा मशीन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है आर्मेचर करंट की डायरेक्शन जो है वो बदल दी मैंने यहां पे तो मुझको पता है कि आर्मेचर टॉर्क जो है टाउ ए का इक्वेशन मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है इट इज फाइवेड पी आई ए अपॉन टू पाई ए जितना मुझे याद आ रहा है ये ऑलमोस्ट ऐसा कुछ हम लोगों ने अपने टॉर्क इक्वेशन के डेरिवेशन में किया हुआ है है ठीक क्योंकि मैं को याद नहीं करता हूं तो इसलिए जरूरी नहीं कि मुझे ये वैल्यूज पूरी याद रहे जब मैं उसको डिराइव करता हूं तो मैं सही वैल्यू जो भी होगी मैं उस तक पहुंच जाता हूं ठीक है तो इसका एक प्लस पॉइंट भी है एक नेगेटिव पॉइंट भी, भी है प्लस पॉइंट तो ये है कि उससे मेरा डेरिवेशन कभी गलत नहीं होगा वो प्रॉपर एकदम सही रहता है लेकिन उससे नेगेटिव पॉइंट ये है कि एग्जाम में अगर मुझे ऐसा बनाना रहा तो मुझे वो पूरा डेरिवेशन पहले याद करना पड़ेगा तब जाके मैं उस फाइनल वैल्यू तक पहुंचता हूं ठीक है चलो खैर उस बात को छोड़ते हैं अब आर्मेचर टॉर्क जो है मेरा वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है जिसमें से कि अगर मैं बोलूं कि कौन कौन सी कॉन्स्टेंट चीजें हैं इस पर ये कौन कौन सी कॉन्स्टेंट चीजें हैं ये सब पूरा कॉन्स्टेंट है ये पॉइंट पूरा कॉन्स्टेंट है और एक चीज है दैट इज वेरिएबल इन नेचर एंड दिस इज आई ए तो इसके हेल्प से मैं ये बताता हूं कि आर्मेचर टॉर्क इज प्रपोर्शनल टू आई ए आर्मेचर करेंट आर्मेचर करंट अगर क्लॉक अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो आर्मेचर टॉर्क भी एक एक पर्टिकुलर एक सर्टन डायरेक्शन के अंदर चल रही होगी आर्मेचर करंट की डायरेक्शन को मैं अगर रिवर्स कर दूं तो आर्मेचर टॉर्क की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी टॉर्क अब उल्टे दिशा में लगने लग गया ठीक है तो जो इनर्शिया शुरू में जो टॉर्क जो डेवलप हो रहा था उससे जो इनर्शिया मिल रहा था अब जो ये दूसरे हाफ का जो टॉर्क रहेगा जो अब उल्टे दिशा में काम कर रहा है वो उस इनर्शिया को अपोज करने लायक इनर्शिया या फोर्स क्रिएट करेगा सिस्टम में दस इट प्रोवाइड एक्शन अलॉन्ग जनरेटिंग इफेक्ट तो इस रिवर्स एक्शन होने के कारण क्या होता है कि एक ब्रेकिंग एक्शन एक जनरेटिंग एक्शन जैसा क्रिएट होता है और ये चूंकि जो सेकंड टाइम जो टॉर्क डेवलप हुआ वो अपनी पिछली वाली टॉर्क से बना हुआ इनर्शिया जो था उसको अपोज कर रहा है अब नया फोर्स लगा रहा है जो पिछले सेक्शन uh, से जो एनर्जी आया था उसको अपोज करता हुआ फोर्स क्रिएट कर रहा है जिससे कि ये मशीन ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग स्टेट में जाएगी और जब तक ब्रेक नहीं लग, जा, लग जाता तब तक कि ये मशीन जनरेटिंग इफेक्ट आपको देती रहेगी यानी लोड पे आपको यानी बाहर जो सोर्स था वहां पे आपको अब ये मशीन सप्लाई प्रोवाइड करना शुरू कर देगी सो दिस इज अ टाइप ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग काम कैसे करता है वो आपको इस पॉइंट से समझ आ जाएगा ठीके? तो इसकी पूरी फ्रेम कर सकते हो, पूरा समझ सकते हो। इस सर्किट्स को आप ऐसे समझोगे और ये इसका थोड़ा कचरा जैसा हो सकता है आपको दिखे लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो सीक्वेंस में ये सब मैंने कैसे लिखा है और से कहां से आई इसकी कहां जरूरत पड़ी वो आप जब एग्जाम में जब थ्योरी लिखोगे तो पूरा एक्सप्लेन करके बता पाओगे ठीक है

आसान तरीके से इसको बताता हूं मैं आपको कि ये क्या होता है एकदम इजी ठीक आ, इसको समझने के लिए ऐसा समझो आप लोग कि अगर सपोज अगर सपोज इस पोर्शन से मुझे एक प्लेट को हुक करके मैंने ऐसे अटैच कर दिया है ठीक है इससे मैंने अटैच कर दिया है इसको हटाते हैं कोई दूसरा डायग्राम से समझते हैं तो अगर सपोज ये ये मेरा एक कॉयल का सेक्शन है ठीक है और इस पर मेरे पास खूब सारे ऐसे एन नंबर ऑफ टर्न के ऐसे कंडक्टर लगे हुए हैं या तार लगे हुए हैं और इससे मैंने एक लोड को ऐसे अटैच करके रखा हुआ है ठीक है एक हैवी प्लेट्स का जो सेट है वो इससे अटैच्ड है हुक के माध्यम से और इसको मैं ऐसे नीचे भेज रहा हूं ये हमारा ग्राउंड सरफेस लेवल है ठीक तो अब अगर इस रील को मैं फ्री छोड़ता हूं तो ये पूरी स्पीड से ऐसे नीचे आएगा और लास्ट में ये ऐसे नीचे आके ऐसे गिर जाएगा ठीक है अब ये अगर ऐसे गिर जाता है तो मेरा पर्पस फुलफिल ही नहीं हो पाएगा ये तो डिवाइस जो है वो ड्रॉप हो गई सिस्टम से ये पूरा का पूरा अगर रील खुल जाता है तो इस केस में अगर सपोज कि मैं यहां पे एक शाफ्ट कर दू और ये जो शाफ्ट है मेरी ये होगी एक डी मोटर की शाफ्ट जिस पे कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग मैं यूज करने वाला हूं जिस पे कि मैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज करने वाला हूं तो अब इससे फायदा क्या होगा इनिशियली क्या होगा जब ये रील घूमना शुरू होगा जब ये मशीन नीचे जाने शुरू करेगी तो अगर ये लेंथ मेरे पास अच्छा खासा बहुत ज्यादा लंबाई पे बहुत ज्यादा दूरी पे ये जमीन है बहुत हाइट से मैं गिरा रहा हूँ उस चीज को बहुत हाइट से भेज रहा हूँ नीचे तो उस केस में कुछ दूर जाने के बाद ही अपनी वजन के कारण इतनी ज्यादा स्पीड बना देगी कि इस डीसी मोटर की ये जो मेरा डीसी मोटर है इसकी नो लोड स्पीड से भी ज्यादा हो जाएगी इस सेक्शन की स्पीड ये रील उससे ज्यादा स्पीड से घूमने लग जाएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस वेट और ये रील जैसी इसकी नो लोड स्पीड से आगे चला जाएगा इन दैट केस ये मोटर जो होगी जनरेटिंग एक्शन शुरू कर देगी और सप्लाई आउटपुट डायरेक्शन में देना शुरू कर देगी बाहर की तरफ सप्लाई देना शुरू कर देगी ये जो सप्लाई देना शुरू कर देगी इससे करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी कौन सी करंट? आर्मेचर करंट की करंट की डायरेक्शन तो आर्मेचर करंट की डायरेक्शन अगर चेंज होती है तो आर्मेचर टॉर्क भी अब उल्टे डायरेक्शन में काम करने लग जाएगा आर्मेचर टॉर्क अगर अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा तो वो एक फोर्स क्रिएट करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन और पहले से जो इनर्शिया थी जो इसको नीचे जाने दे रही थी उस इनर्शिया के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा कौन ये टॉर्क ये आर्मेचर टॉर्क जो इस करंट के बदलने से क्रिएट होगा वहां पे ठीक है अब ये जो अपोजिंग फोर्स जो यहां पे क्रिएट करेगी ये इसकी स्पीड को कंट्रोल में लेके आएगी ये इसकी स्पीड को रिड्यूस करना शुरू करेगी ठीक जिसके कारण की ये सिस्टम जो है ऐसे सडनली फॉल नहीं हो जाएगा ये एक पॉइंट पे जाने के बाद रुकने लग जाएगा ठीक तो इस मैकेनिज्म से आप ये सेकंड वाले पॉइंट को समझ जाओगे क्या लिखा हुआ सेकंड पॉइंट में इट इज मोस्ट यूजफुल इन होल्डिंग अ डिसेंडिंग लोड ऑफ हाई पोटेंशियल एनर्जी एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड एक लोड अगर डिसेंड हो रहा है किसी हाइट से नीचे गिर रहा है ठीक है और हाई पोटेंशियल एनर्जी से वो गिर रहा है तो वो जितनी हाई पोटेंशियल एनर्जी से गिरेगा उसके कारण जो स्पीड है जहां से वो गिर रहा होगा जहां से जो रोटेशन हो रहा होगा जिससे वो बंधा हुआ होगा वो सेट वो जो ड्राइव है वो ज्यादा स्पीड से घूमेगा उस ड्राइव से जो मोटर जुड़ी हुई है उसकी शाफ्ट ज्यादा स्पीड से घूमेगी और उस शाफ्ट के ज्यादा स्पीड से घूमने से क्या होगा उसके अंदर जो एन है स्पीड जो है वो अपनी नो लोड स्पीड से आगे निकल जाएगा और जैसे ही ऐसा होता है बैक वोल्टेज से बड़ी हो जाएगी जो सप्लाई वोल्टेज उसको मिल रहा था अब उससे ज्यादा अपोजिशन अंदर से आने लग जाएगा और जिसके कारण करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी जिसके कारण टॉर्क उल्टेड दिशा में बनेगा और वो अपोजिट डायरेक्शन का टॉर्क उसकी रोटेशन पे ब्रेकिंग एक्शन करेगा और सेम टाइम पे जनरेटिंग एक्शन भी करेगा जिससे करंट बाहर की तरफ मिलने लग जाएगी हमको सो दिस वाज ऑल अबाउट द रीजनरेटिव ब्रेकिंग लेकिन तीसरा पॉइंट है इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर्स ड्राइविंग लोड सच एज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एलिवेटर्स क्रेन्स एंड हॉइस एलिवेटर्स जैसे हो गया एलिवेटर नीचे फॉल हो रहा है जो मोटर इसके साथ लगा हुआ है वो हाई स्पीड अटेंड करेगा हाई स्पीड अगर अटेंड किया तो क्या होगा उसकी नो लोड स्पीड से वो ज्यादा हो जाएगी नो लोड स्पीड से जैसे ही ज्यादा होगी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा जनरेटिंग एक्शन होना शुरू हो जाएगा और उल्टे डायरेक्शन की एक टॉर्क वहां पे बन के बनने लग जाएगी और उसको कंट्रोल प्रोवाइड करेगी इसी कारण से एलिवेटर जो है आपके वो फ्रीली फॉल नहीं होते हैं वो एकदम कंट्रोल्ड फॉर्म में ही नीचे आते हैं एकदम फ्री फॉल कंडीशन पे नहीं जाते हैं लेकिन इससे ये जो मैंने आपको अभी जो थ्योरी बताया इससे आपके माइंड में एक चीज आया होगा कि सर मतलब ये ब्रेकिंग एक्शन में तभी आता है एक ही केस है जिसमें कि ये ब्रेकिंग एक्शन में आ रहा है वेन द बैक इमे बिकम्स ग्रेटर देन वी टी ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मतलब कि ये ब्रेक तभी अप्लाई होगा जब इसकी स्पीड इतनी हाई हो जाएगी कि इसका जो इसके अंदर जो ईएमएफ बन रहा है बैक ईएमएफ वो इसकी सप्लाई से भी बड़ा हो जाए सिर्फ और सिर्फ तभी ये ब्रेक काम करेगा अलावा उसके ये ब्रेक काम ही नहीं करेगा किसी भी और कंडीशन में ये ध्यान में रखना है आपको तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग कब एक्शन में आएगा जब उसकी स्पीड उसकी नो लोड स्पीड से आगे निकल जाएगी तभी काम करेगा और कब तक काम करेगा जब तक उसकी स्पीड उसकी नो लोड स्पीड के अंदर के रेंज में ना आ जाए उसके बाद ये नहीं काम करेगा ये ब्रेकिंग ये भी कंडीशन इसके अंदर पॉसिबल है तो जो एक एक बेसिक सा जो इसका मॉडल बनता है वो बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है अब इसमें अगर आप आगे चल के और मॉडिफिकेशन करते हो तो ये और ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा अच्छा ब्रेकिंग मेथड साबित हो सकता है ठीक है नेक्स्ट अगले ब्रेकिंग पे चलते हैं हम लोग और लेके आते हैं बोर्ड पे डायनामिक ब्रेकिंग को डायनामिक ब्रेकिंग मेथड कैसा होता है क्या लिखा हुआ है चलो इसको शुरू से रीड कर लेते हैं हम लोग जरा इसमें लिखा हुआ है इन दिस टाइप ऑफ ब्रेकिंग The DC motor is disconnected from the supply. In this type of braking, the DC motor is disconnected from the supply. Braking resistance RB is immediately connected across the armature. The braking resistance RB is immediately connected across the armature. Third point, the motor will now work as a generator and produce the braking torque. Next point, supplied electrical energy gets dissipated in the form of heat across the ब्रेकिंग रेजिस्टेंस आरबी क्लियरली समझते हैं इसको एकदम आसानी से सपोज करते हैं कि मेरे पास एक ऐसा कोई मैकेनिज्म है ठीक है और ये मेरी जो है शंट फील्ड की वाइंडिंग है यहां लगा लेते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग ठीक है दिस इज आवर सप्लाई पॉइंट यहां पे एक टैपिंग स्विच लगा देता हूं मैं इस पॉइंट पे और यहां पे दो अलग अलग स्विच कनेक्टर्स लगा के रखते हैं यहां से जो चीज जुड़ी हुई है दिस इज अ रजिस्टर और वो इस पॉइंट पे है हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये होगा कि ये जो मेरा रजिस्टर है दिस हैज टू बी अ वेरिएबल रजिस्टर इसका नाम मैं लिख देता हूं आर बी ठीक है शंट फील्ड है सामने तो इस शंट पे मैंने लगा दिया आर एस एच मोटर है तो बैक ये स्विच का पहला हिस्सा ये स्विच का दूसरा पॉइंट ये मेरा दोनों डायरेक्शन में रोटेट होने वाला स्विच है तो चलो इसके ऊपर ये वाला सिंबल में बना देता हूं ये स्विच मेरा वन की तरफ भी जा सकता है और टू की तरफ भी जा सकता है ठीक है दोनों ही डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है हाँ, आर्मेचर है तो इसके अंदर भी डेफिनेटली रेजिस्टेंस होगा आर ए यहां से तो करंट जा रही है तो दिस इज आई एस एच और यहां से इस पॉइंट से जो करंट जा रही है दिस इज टर्म एज आई ए ये अगर मैकेनिज्म है मेरे पास मैं क्या कर रहा हूं मैं यहां पे डायनामिक ब्रेकिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूं ठीक है ध्यान से समझते हैं इस डायनामिक ब्रेकिंग के पॉइंट्स को पहले सिस्टम के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको चलो देखते हैं इसमें लिखा हुआ है इन दिस टाइप ऑफ ब्रेकिंग द द डीसी मोटर इज फ्रॉम सप्लाई जब मुझे मशीन को रोकने की जरूरत पड़ती है तो मैं इसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देता हूं कैसे डिसकनेक्ट करता हूं तो इनिशियली क्या है देखो इनिशियली क्या है ये वाला जो पोर्शन है ना ये पर्टिकुलर पोर्शन ये ऐसे जुड़ा रहता है ऐसा कुछ ठीक है फिर से समझो इसको ध्यान से तो देखो नॉर्मल में क्या है ये जो पोर्शन है दिस इज कनेक्टेड टू द सप्लाई ठीक और इस पॉइंट को वहां कनेक्ट करने के बाद मेरा जो सिस्टम है ये इस सप्लाई सोर्स के साथ जुड़ गया होता है ये सप्लाई के साथ जैसे ही कनेक्ट हो जाता है अब क्या होगा जैसे यहाँ पे टोटल सप्लाई वोल्टेज वीटी जो है मिलना शुरू हो जाएगी इस पॉइंट पे तो ये एज अ मोटर रन करना शुरू करेगा और जैसे ही मुझे ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी मैं इसको इसकी मेन सप्लाई से अब डिस्कनेक्ट कर दूंगा इस स्विच को वन से हटा के बीच में लेके आऊंगा लेकिन मैं बीच में नहीं सेकंड पॉइंट को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे एक ब्रेकिंग रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको कि आर्मेचर के अक्रॉस हम कनेक्ट कर सकते हैं इमीडिएटली जब मशीन को रोकना है तो ये रेजिस्टेंस को मैंने आरबी से शो किया हुआ है और इसको वेरिएबल रखा हुआ है इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं जब मुझे मशीन को रोकने की जरूरत है तो मैं स्विच को वन से हटा के टू पे कनेक्ट कर देता हूं जैसे इसको टू के अक्रॉस कनेक्ट करूंगा यह मशीन मेन सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाती है और मेन सप्लाई से डिस्कनेक्ट होने के साथ साथ अब आपको पता है कि जैसे मेन सप्लाई से कनेक्ट हो जाती है, हो जाती जाती है है इन दैट केस द वैल्यू ऑफ ओवर हियर इस मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो वैल्यू ऑफ वीटी दैट इज द टोटल वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज इट बिकम जीरो प्लस बट द मोमेंट आई रिलीज दिस की फ्रॉम वन टू वर्ड्स दू इन दैट केस दैल्यू टी बिकम तो अब अगर वी टी जीरो हो जाती है तो मेरे मशीन में एक ही सिस्टम है जो ई एम एफ बना रहा है वो है अपनी खुद की इनर्शिया से चल रहा ये मोटर ये मोटर की शार्फ तो इनिशियली रुक नहीं गई ना तुरंत ये शाफ तो रोटेट कर रही है तो अब ये मशीन जो है अपनी खुद की उस शाफ्ट की रोटेशन से कुछ ना कुछ स्पीड तो बचा रहेगा स्पीड रिड्यूस जरूर होगा लेकिन एकदम से जीरो तो नहीं हो रहा है ना और अगर एकदम से जीरो नहीं हो है तो जनरेटर वर्क करना शुरू किया अब अगर ये वर्क कर रहा है तो डेफिनेटली यहां से रिलीज करेगा ये आर्मेचर करंट अगर स्विच यहां पे जुड़ा हुआ है आपका तो इस आरबी रेजिस्टेंस से होते हुए अपनी सर्किट को कंप्लीट कर रहा है जिसकी वैल्यू को हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा क्या बोला मैंने आरबी की वैल्यू को जैसे ही मैं इंक्रीज करूंगा पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा जो इस ईबी की सेक्शन को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा ईबी जो है एन से चल रहा है अगर ईबी कम होने लग गया तो एन कम हो जाएगा इस पोटेंशियल को कैंसिल आउट में कर रहा हूं किस फॉर्म में हीट के फॉर्म में भाई आई स्क्वायर आर के फॉर्म में हीट डिसिपेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा तो थर्ड पॉइंट पे यही दिख रहा है आपको मोटर विल नाउ वर्क एज अ जनरेटर एंड द ब्रेकिंग टॉर्क अब ये मोटर जो जनरेटर की तरह एक्ट कर रहा है अब यही बनाएगा जनरेटिंग टॉर्क जो जनरेशन जनरेटिंग एक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो क्यों हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि भाई पहले जो आर्मेचर करंट इस डायरेक्शन में जा रही थी तो उससे इस डायरेक्शन में टॉर्क बन रहा था अब आर्मेचर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो टॉर्क की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी टॉर्क की डायरेक्शन जैसे ही रिवर्स हो गई वो अपने प्रीवियस प्रीवियसली उससे जो इनर्शिया क्रिएट हुआ था अब ये नया फोर्स डेवलप करेगा उस इनर्शिया को आउट ब्रेकिंग एक्शन भी प्रोवाइड करेगा हमको तो अगर ये जनरेटर की तरफ बिहेव कर रहा है तो क्या नुकसान होगा सप्लाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन हीट अक्रॉस द ब्रेकिंग रेजिस्टेंस आरबी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी और मशीन रुक जाएगी एडवांटेज तो है? है क्या मतलब इस डायनामिक टाइप की ब्रेकिंग का अगर आप यूज कर रहे हो तो इसके जनरेटिंग आउटपुट का आप यूज नहीं कर पा रहे हो वो हीट के फॉर्म में ही डिसिपेट हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ठीक है इसके एप्लीकेशन पे होता है इसको एक बार देख लेते हैं भाई इसका भी एप्लीकेशन होता है जहां पे रैपिड स्लो डाउन या रिवर्सल ऑफ स्पीड की हमको जरूरत पड़ती है रेल के जो 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 होते हैं जो, जो पीछे बोगियां जो उसकी जुड़ी रहती है इलेक्ट्रिक ट्रैन में होता है ट्रॉली बसेस में होता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है ड्रॉबैक क्या होता है इस टाइप की ब्रेकिंग का ड्रॉबैक बस यही होता है कि जो इसकी हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेशन हो रही है जो हम इसका जनरेटिंग एक्शन कर रहे हैं उससे निकलने वाली एनर्जी का कहीं यूज नहीं कर रहे हैं वो एनर्जी वेस्ट हो रही है हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रही है और हीट होने के कारण उसकी फील्ड वाइंडिंग का या उसकी आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग जो है उसका बर्न होना के चांसेस जो है उसके बर्न हो जाने के चांसेस जो है वो बढ़ जाती है यहां पे तो ये थोड़ा सा नुकसान है प्रैक्टिकली ये उतना प्रेफरेबल नहीं होता है डायनेमिक ब्रेकिंग बट फिर भी कुछ इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जहां पर ये यूज होता है चलो चलते हैं और एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि डायनेमिक ब्रेकिंग का सर्किट किस टाइप का दिखता है जैसा कि मैंने आपको बताया ये कुछ है डायनेमिक ब्रेकिंग का सर्किट जो मैंने स्विच के फॉर्म में आपको बताया था वो यहां पे ऐसा ही बना हुआ है कि इनिशियली ये मशीन अपनी मेन सप्लाई से जुड़ी रहेगी और इसको फिर जैसे ही ब्रेकिंग करनी है इसको इसके मेन से से डिस्कनेक्ट करके हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किससे एक वेरिएबल ब्रेकिंग रेजिस्टेंस और उसके अकॉर्डिंग आप रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड जितनी ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा हीट मिलेगी आपको उतनी ज्यादा हीट के फॉर्म में मशीन जो है रिवर्स डायरेक्शन का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और उतना जल्दी रुक जाएगा ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं प्लगिंग थर्ड और लास्ट स्टेप का हमारा ब्रेकिंग है दैट इज प्लगिंग इसमें क्या लिखा हुआ है द आर्मेचर टर्मिनल्स और द सप्लाई ऑफ अ डीसी मोटर व्हेन रनिंग आर आर्मेचर टर्मिनल या सप्लाई जो सप्लाई इसको मिल रही है जिस डायरेक्शन में अब हम क्या करेंगे आखिरी में रिवर्स कर देंगे टाइटेनिक मूवी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा ये चीज कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं याद है टाइटेनिक में जब जो जो शिप होती है आइसबर्ग को हिट करने जा रही होती है उस समय वो लोग क्या करते हैं क्या बोलते हैं इंजन को रिवर्स डायरेक्शन में घुमा ठीक ताकि आ, उल्टे डायरेक्शन के टॉर्क को प्रोड्यूस करना शुरू करे तो दो तरीका होता है या तो आप किसी चीज पे ब्रेक लगा लगाकर रोक दो अगर वो चीज रुक सकती है तो और अगर नहीं रुक रही है तो उस उसपे उल्टा डायरेक्शन का इनर्शिया जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करो जो टाइटेनिक में करने की कोशिश किए थे वो लोग लेकिन नहीं हो पाया था वो सक्सेसफुल ठीक है तो ऐसे कुछ इसके अंदर भी होता है प्लगिंग में हम लोग क्या करते हैं कि उसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं मशीन जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रही है एक जगह प्लस और एक जगह माइनस है पॉइंट ए पे प्लस और बी पे माइनस अब हम उल्टा कर देंगे पे प्लस दे देंगे और ए पे माइनस कर देंगे करंट डायरेक्शन रिवर्स ताकि वो अब उल्टा डायरेक्शन की फोर्स बनाना शुरू कर दे उससे क्या होगा द द द सप्लाई वोल्टेज वोल्टेज एंड इंड्यूस्ड दैट इज बैक विल एक्ट इन सेम डायरेक्शन क्या होता है इससे जो सप्लाई वोल्टेज अब आप जो डायरेक्शन उल्टा करने के बाद जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो वो और बैक ई एम एफ ये तो थोड़ी देर के लिए एक ही डायरेक्शन में चले जाएंगे द इफेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर विल बी वी प्लस ई बी एड हो जाएंगे दोनों वोल्टेज जबकि अपोजिट एक्ट कर रहा था पिछले वाले वोल्टेज से इज ऑलमोस्ट ट्वाइस द सप्लाई सप्लाई वोल्टेज तो अब जितनी आप दे रहे थे उसका दोगुना अपोजिट डायरेक्शन का पोटेंशियल जो है वो मिलेगा जिससे कि जो करंट आएगी वो भी रिवर्स हो जाएगी और वो करंट हाई करंट हो जाएगी जिससे कि टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी जो उल्ट दिशा में काम करेगा और उस टॉर्क के कारण क्या होगा आपका मशीन ब्रेकिंग स्टेट में चला जाएगा बहुत ही जल्दी तो इस ब्रेकिंग के एप्लीकेशन क्या है एलिवेटर्स हैं प्रिंटिंग प्रेस है प्लगिंग है. की खासियत क्या होती है फायदा क्या होता है प्लगिंग गिव्स ग्रेटर ब्रेकिंग टॉर्क एज कंपेयर टू द स्टैटिक ब्रेकिंग क्यों ग्रेटर टॉर्क देता है क्योंकि इसके अंदर जो वोल्टेज है ना वो जस्ट डबल हो जाता है ऑलमोस्ट डबल हो जाता है ये जो आपका टोटल सप्लाई वोल्टेज था उसका दो गुना ही रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड हो जाता है इसके अंदर तो उससे फायदा ये होता है कि ये जस्ट डबल आपको रिवर्स टॉर्क क्रिएट करके देता है शन विच रिक्वायर सडन एंड इंस्टेंट ब्रेकिंग जहां पर सडन और एकदम इंस्टेंट ब्रेकिंग की जरूरत पड़ती है वहीं पर हम लोग इस प्लगिंग मैथड को यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स आई होप की आज के इस लेक्चर से आपको ये ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा बने रहेगा हमारे साथ अगले वीडियो में अब हम बात बाइच इंपोर्टेंट फॉर्मुलेस के बारे में और न्यूमेरिकल पार्ट के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है कैसे तैयार करना है सो दैट की उसके बाद के वीडियो से हम न्यूमेरिकल सेशन शुरू कर सकें डीसी मशीन का तो इस वीडियो को आज यह हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स टिल देन थैंक यू वेरी मच